लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों का सिलसिला कल देर रात तक चलता रहा, जहां देश में गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। एनडीए ने 292 सीट हासिल की, जिसमें बीजेपी अकेले 240 पर बढ़त बनाई, तो जो कि पिछले लोकसभा से 63 सीटें कम थी भारतीय जनता पार्टी की। वहीं एनडीए के दूसरे सहयोगी दल टीडीपी 16 व जेडीयू 12 जो कि किंग मेकर की भूमिका में है। वहीं इंडिया गठबंधन को अकेले 233 सीट, जबकि अकेले कांग्रेस का सैकड़ों का आंकड़ा भी पार नहीं हो पाया। 99 पर ही कांग्रेस सिमट कर रह गई। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो भाजपा ने मौके को झपट लिया और कांग्रेस मौका चूक गई। यही हुआ है मध्य प्रदेश में। लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनने के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटाने में मंगलवार का दिन खास रहा। प्रदेश ने भाजपा को 29 सीटों का एक बड़ा आंकड़ा देकर मंगल तिलक किया है भारतीय जनता पार्टी का। केंद्र में भाजपा ने 29-0 से नई लाइन खींच दी है। आक्रमण रणनीति से यह सफलता हासिल की है। चुनाव के दौरान एक एक कर कांग्रेस के 3 विधायकों को तोड़ना और हर दिन किसी नेता को पार्टी से जोड़ने का सिलसिला आखिरी दिन तक कायम रखा। पार्टी ने उन मुद्दों को भी नहीं छोड़ा जिन पर भाजपा देश भर में प्रचार अभियान छेड़ चुकी थी। वहीं कांग्रेस रणनीतिक तौर पर बेहद कमजोर साबित हुई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के सामने सुनहरा अवसर था। दोनों आपस में ही गुत्थम गुत्थई होते रहे। पटवारी पूरे प्रदेश में प्रचार में दिखे, मगर उनकी कोशिश हवा हवाई ही साबित हुई। संगठन के तौर पर जो मजबूती और मदद प्रत्याशियों को पहुंचानी थी वह काम नहीं हुई और वह कम ही साबित हुई। ऐसा लगा कि मानो ये दोनों नेता खुद का ही प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का नहीं। एक बड़ी चूक कांग्रेस ने यह भी की कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी जिन मुद्दों को उठा रही थी उन्हें प्रदेश में छुआ तक नहीं गया। प्रदेश सरकार की कमियों और वादा खिलाफी के नाम पर पार्टी मैदान में थी, जो कि गलत दाव साबित हुआ। संविधान बचाने, आरक्षण खत्म करने के साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में की गई 5 न्याय की बातों को प्रचार में प्रमुखता से उठाया ही नहीं गया। वहीं भाजपा ने संगठन और सत्ता दोनों ही मोर्चों पर बेहतरीन तालमेल का उदाहरण पेश किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दोनों की अगुवाई में बगैर किसी चूक के प्रचार अभियान चला। कई सीटों पर कमजोर उम्मीदवार के बाद भी पार्टी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे रीवा लोकसभा सीट हार जाएंगे, लेकिन चुनाव प्रचार और जो कि राष्ट्रीय केंद्र के स्तर के मुद्दे थे भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी तरह से भुनाया। मंडला, मुरैना, धार, रतलाम, भिंड, ग्वालियर जैसे सीटों को नाजुक मान विशेष कार्ययोजना बनाई और वोटों की संख्या से जीते और जीत की दहलीज तक खींच लाए। चुनाव ने दो पूर्व इस बार चुनाव में मुख्यमंत्रियों की सियासी सफर को भी विराम लगा दिया। पूर्व मुख्यमंत्रियों को पहले कमलनाथ विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पद गंवाए। नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बने, भाजपा में जाने के संकेत दिए मगर जा ना सके। फिर ध्यान छिंदवाड़ा पर लगाया और बेटे नकुलनाथ को सांसद बनाए रखने में जुटे। हर दिन उनकी आंखों के सामने भाजपा ने कांग्रेस में सेंध लगाई, मगर वे कुछ ना कर सके। नाथ अकेले ही किला भेदते रहे। अपने काम की दुहाई से सहानुभूति बटोरने की कोशिश जो कमलनाथ कर रहे थे, जो कि नाकामयाब हुई और एक सामान्य कार्यकर्ता से नकुल हार गए। अब कमलनाथ का अगला कदम क्या होगा, यही देखना दिलचस्प होगा। खैर, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 29 में से 29 सीटें इस बार जीत गई है, जो कि पिछली बार 29 में से 28 सीटें अपने खाते में ले गई थी। एक छिंदवाड़ा थी जो कि कांग्रेस जीत पाई थी, वह भी इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत कर ले गई। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में।
ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931625789627582294253778577। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा,